अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सरदार मुराद इम्तियाज़। लास्ट टाइम हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिजिटल कंप्यूटर को डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है एनालॉग कंप्यूटर, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर आप इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो इसको डिफाइन कुछ यूँ करते हैं, दोज कंप्यूटर्स विच मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर, यानी कि वो तमाम कंप्यूटर जो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकें वो हमारे पास क्या होते हैं, ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि वो क्वांटिटीज जो कि मेजर की जा सकें वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। इसका मतलब यह है कि जो एनालॉग कंप्यूटर है वो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और किस चीज़ को मेजर करता है ये देखते हैं। जैसा कि हमारे पास टाइम है, इसी तरह मास है, वेलोसिटी है, आपके पास लेंथ है, टेम्परेचर है, इस तरह की चीज़ों को मेजर करने के लिए जो कंप्यूटर हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है वो एनालॉग कंप्यूटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर के अंदर कोई स्टेट नहीं होती, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि डिजिटल कंप्यूटर में टू स्टेट्स होती हैं, जीरो एंड वन, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज ऑन एंड ऑफ। इसी तरह एनालॉग कंप्यूटर के अंदर कोई स्टेट नहीं होती, ये प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स होते हैं जिनको जिस मकसद के लिए डिज़ाइन किया जाता है उनसे वही काम लिया जा सकता है, और ये मेजरमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, इनका जो आउटपुट होता है वो एक कंटिन्यूस वैल्यू में आउटपुट होता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि डिजिटल कंप्यूटर में जो है वो सेपरेट डिस्क्रीट वैल्यू होती है, जबकि हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर के अंदर कंटिन्यूस वैल्यू होती है, यानी कि इसका ज़्यादातर जो आउटपुट होता है, जो प्रोसेसिंग होती है, वो हमें ग्राफ्स की फॉर्म में मिलती है, ग्राफ की फॉर्म में हमें आउटपुट दिया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर के मुकाबले में ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते और ये यूज करने के मामले में थोड़े से मुश्किल होते हैं। और एनालॉग कंप्यूटर की अगर आप मेमोरी की बात करें तो इसकी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड मेमोरी होती है, जबकि हम लोगों ने डिजिटल कंप्यूटर में जो है हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं अपने फ्यूचर यूज के लिए। अगर आप एनालॉग कंप्यूटर की एग्जांपल देना चाहें तो आप कह सकते हैं कि आपका जो थर्मामीटर होता है वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर है। इसी तरह आपके पास एनालॉग वॉच होती है, आपके पास किसी भी गाड़ी का या मोटरसाइकिल का जो स्पीडोमीटर होता है, जो आपकी गाड़ी या आपकी मोटरसाइकिल की स्पीड को मेजर करता है, वो भी हमारे पास क्या होता है जी, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। इसी तरह आपके पास रेडियो हो गए, रेडियो फ्रीक्वेंसीज होगी, इसके साथ टेलीविजन हो गया, इनको भी एज एनालॉग कंप्यूटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं।